सर ये मुकाम कौन सा है? हुसैनाबाद। और ये हुसैनाबाद से अब हम जाएंगे ऊपर मसरूर रॉक की तरफ। तो अभी मैं देख रहा था कि वो पीछे से ज़्यादा नज़र भी आ रही है, थी दूर तो नहीं है, वो टॉप पे एज निकला हुआ है, वो जो टॉप पे एज निकला हुआ है जी। मैंने बताया कि 2 घंटे का ट्रैक है ये और 2 घंटे में ऊपर पहुँच जाएंगे। तो अभी तो काफ़ी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं इसकी तरफ, बहुत इस साल 2500 से ज़्यादा गया है। और ये रूट जो है तारीखी रूट भी है, ये लखपत रूट कहते हैं इसको। जब सन 1841 में इसी रूट से डुगरा फौजी आके इधर स्कर्दो छावनी पे हमला करके कब्जा किया है, इसे लखपत रूट भी कहते हैं। फिर बाद में 1948 में फिर इसी रूट से वहीं फौजी भागा है। अभी यहाँ पे किधर किस किस की तरफ जाना है? अभी यहाँ से हम इधर ऊपर जाना है, इधर से आगे 2 रूट है, ठीक है। एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा शॉर्टकट है। सही, हम जो शॉर्टकट नहीं है उससे हम जाएंगे। सही है, 3 घंटे तक या 2.5 घंटे तो जाना हमने इसी पहाड़ के ऊपर है, इसी के ऊपर, ठीक है। और उस टॉप पे जाना है, उस टॉप पे जाना है। ये 12266 फीट है। 12266 फीट। चले फिर बिस्मिल्लाह करें, चले जी आ जाए। बड़ी टाइट है और मुश्किल पास ये है ताकि जल्दी पर पहुंच सके। अभी ज़मीन से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अभी काफ़ी चढ़ाई बाकी है। भाई एक दो चीज़ें नोट करें, इस ट्रैक पे आना है उससे पहले अपने आप को फिज़िकली फिट करें, रनिंग वनिंग करें। ये ट्रैक का दूसरा हिस्सा है, नीचे वाले ग्रीन को क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच गए ऊपर। ये काफ़ी ड्राई पहाड़ है और यहाँ पे जिस तक हम पहुँचे ऊपर ब्रेक लिए, ये बिल्कुल अब देख रहे होंगे कि एक पहाड़ के नीचे। सर कितना ट्रैक हो गया अभी तक हमारा? अभी हमारा आधा होने वाला है। आधा होने वाला है, पूरा आधा भी बाकी है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टॉप पे पहुंच गए हैं, अरे कैसे 80% तो हो गया। यहाँ पे आने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, पानी एक्स्ट्रा रखें अपने साथ, हो सके तो सॉल्ट टैबलेट भी रखें। अगर वेदर गर्म है तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हिम्मत मत हारें। बस भाई कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये ट्रैकिंग का? मेरा तकरीबन जब से मैं जवान हुआ है तब से मैं कर रहा हूँ, तकरीबन 14-15 साल से मैं कर रहा हूँ। और आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप दिन में 2 दफ़ा भी आ जाते हैं इधर। दिन में 2 दफ़ा भी आ जाता हूँ। ये रॉक है और उस रॉक के अंदर ही जगह बनी हुई है, इसका अड्डा शेल्टर इस वक्त। हाल वाली है कि काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और रॉक मरसूर में नज़र भी आ रही है, तो काफ़ी मोटिवेशनल है ये कि चले करीब पहुंच के मंजिल के। ये फाइनली हम पहुंच गए हैं मरसूर रॉक के टॉप पे और तकरीबन 3-1 घंटे लगे हैं इधर पहुंचने के लिए। रास्ता काफ़ी टफ है, आने के लिए पहले अपने आप को तैयार करें। जिस रेंज में बैठे हैं ये हिमालय रेंज है, ये हिमालय है दूसरा, और इधर से करपोज फोर्ट और ऑर्गेनिक विलेज भी नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है ऐसे, बिल्कुल। और ये जो छिमिक ब्रिज नहीं है सर, ये भी नजर आ रहा है।